हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लेटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड, उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। थर्ड, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उसकी यूजेस क्या है, क्यों हम रेसिप्रोकल लेटर्स के फंडे को लेकर आए हैं, क्यों हम उसे पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट, उसके जो रेसिप्रोकल लेटर्स के जो फॉर्मूले हैं, मतलब जो वेक्टर के जो फॉर्मूले होते हैं, उनको भी हम इस वीडियो में ड्राइव करेंगे। क्लियर? तो चले भाई, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल लैटिस को समझने से पहले लैटिस को समझना जरूरी है। सबसे पहले किसको समझना जरूरी है? लैटिस को समझना जरूरी है। अब यार, ये लैटिस क्या होता है? देखो, एटम्स का कह लो, ये बहुत क्या कह लो, पॉइंट्स का अरेंजमेंट। अगर मान लीजिए ये एक स्पेस है, ये क्या है, एक स्पेस है, और इनमें मैं क्या काम कर रहा हूँ, पॉइंट्स को अरेंज कर रहा हूँ। अगर मैं पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करूँ कि हर एक पॉइंट की सराउंडिंग बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल हुबहू हो, तब ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई? लैटिस आपको पता होगा क्या है। लैटिस बेसिकली क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लैटिस बेसिकली क्या है कि हम क्या काम कर रहे हैं, पॉइंट्स को स्पेस में या फिर प्लेन में कुछ इस तरीके से अरेंज करें, कुछ क्या करें, इस तरीके से अरेंज करें कि हर एक पार्टिकल की या हर एक पॉइंट की सराउंडिंग सेम हो, उसको हम कहते हैं लैटिस। उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस। अच्छा जी, ये बात समझ में आती है। अब जो लैटिस हैं वो दो तरीके के होते हैं, ध्यान समझना। लैटिस जो हैं उनको क्लासिफाई करा गया है दो तरीकों से। कौन कौन से तरीके हैं? एक तो है आपका डायरेक्ट लैटिस, एक है आपका डायरेक्ट लैटिस, जिसको क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, जिसको क्रिस्टल लैटिस कह लो, क्रिस्टल लैटिस कह लीजिए, या फिर रियल क्रिस्टल कहते हैं, रियल लैटिस। क्या कहते हैं? रियल लैटिस। इसके अनेक नाम हैं, नाम अनेक हैं लेकिन काम एक ही है। तो डायरेक्ट लैटिस बेसिकली क्या है, क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं या फिर इसको रियल लैटिस कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमने क्या क्लासिफाई करा है, सेकंड है ये वाला जो आज हमें इसे पढ़ना है, रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। अब ध्यान से समझना, डायरेक्ट लैटिस किसे कहेंगे? हमारे पास एक क्रिस्टल है, ध्यान सुनो, हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है। क्या उसके अंदर लैटिस पॉइंट्स होंगे? क्या एटम्स अरेंज्ड होंगे? बिल्कुल होंगे। एक क्रिस्टल का क्या लैटिस होता है? बिल्कुल होता है। एटम्स क्या होते हैं? एक रेगुलरली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम लैटिस कहते हैं। मतलब कि एक रियल लैटिस को जो एक्चुअल में एक क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट जो बिल्कुल रियल है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लैटिस। इसलिए इसको नाम दिया गया रियल लैटिस। रियल लैटिस समझ में आ रहा है, एक क्रिस्टल का बिल्कुल सटीक लैटिस। भाई एक क्रिस्टल है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए ये मार्कर है, ये क्रिस्टल है, मान लेते हैं यार एक मार्कर है, चलो छोड़ो, एक सोडियम का मान लो, सोडियम का कह लो या फिर किसी भी मेटल का मान लो, एक क्रिस्टल है, ठीक है। अब उसके अंदर एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज है, यूं करके एटम क्या है, कुछ इस तरीके से अरेंज है, तो ये एक रियलिटी है भाई, रियल में ऐसे अरेंज है, तो इसको हम कहेंगे रियल क्रिस्टल, रियल लैटिस, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट लैटिस। तो डायरेक्ट लैटिस बेसिकली क्या है, एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या फिर लैटिस पॉइंट्स इन क्रिस्टल, ध्यान समझना, एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन रियल क्रिस्टल, जो भाई एक्चुअल में एक क्रिस्टल है, उसके अंदर जो एक्चुअल अरेंजमेंट होगा किसका लैटिस पॉइंट्स का, जहां पर आप एटम्स रख सकते हो, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लैटिस। क्लियर? तो अब तक आपने जितनी भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रखी है, उसके अंदर आपने अब तक जो डील करा है वो सिर्फ करा है डायरेक्ट लैटिस के साथ या फिर रियल लैटिस के साथ, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो है रेसिप्रोकल लैटिस की। अब हम एक नए लैटिस की खोज करने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, वो है रेसिप्रोकल लैटिस। अब ये रेसिप्रोकल लैटिस क्या है, तो इसको समझते हैं, क्यों हमने मतलब इसका कॉन्सेप्ट लेकर आए, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। तो डायरेक्ट लैटिस समझाना जरूरी था, डायरेक्ट लैटिस समझ में आ गया होगा। अब रेसिप्रोकल लैटिस समझो हम क्यों लेकर आए, ध्यान समझना। मान लो एक क्रिस्टल है, मान लो क्या है, एक क्रिस्टल, ध्यान सुनना मेरी बात को, मान लो क्या है, एक क्रिस्टल है, क्या उसके अंदर पैरेलल प्लेन्स होते हैं? क्या उनके अंदर पैरेलल प्लेन्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। मान लो एक छोटा सा क्रिस्टल है, एक बहुत ही छोटा सा क्या है क्रिस्टल है, क्या उस क्रिस्टल के अंदर कितने सेट हो सकते हैं पैरेलल प्लेन्स के? बहुत सारे सेट हो सकते हैं पैरेलल प्लेन्स के। भाई आप खुद सोचना, एक क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स होते हैं। एक क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स होते हैं। एक ऐसे कर, ये लैटिस हो गया, ठीक है, थोड़े और बना लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा,
ये लैटिस हो गया। अब आप खुद सोचो क्या इस लैटिस में कितने प्लेन्स हो सकते हैं मेरे भाई, बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। देखो एक ये प्लेन बन गया, ऐसे करके पैरेलल प्लेन्स बन गए, ऐसे करके पैरेलल प्लेन्स बन गए, ऐसे करके पैरेलल प्लेन्स बन गए, है ना, ऐसे करके पैरेलल प्लेन्स बन गए। कितने पैरेलल प्लेन बन सकते हैं मेरे भाई, बताओ जरा कितने सेट ऑफ पैरेलल प्लेन बन सकते हैं। बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन बन सकते हैं, क्योंकि जो एटम्स हैं वो पास पास होंगे ना, तो बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स आप बना सकते हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार एक क्रिस्टल, एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे वो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। कोई ऐसे होगा, 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 बहुत सारे क्या होंगे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। और हो सकता है, और एक्चुअल में वो दिख भी रहा है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगे, वो क्या करेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यार ये हुई कि ऐसे प्लेन्स को पढ़ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ध्यान सुनना, बहुत आज फील आ जाएगा रेसिप्रोकल लैटिस में, ध्यान सुनना मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे क्या हैं सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, इतने सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसे अरेंजमेंट को पढ़ना मुश्किल है आसान है, मुश्किल है आसान है, बहुत मुश्किल है यार। इतने सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स एक रियल क्रिस्टल में, और उन सबको पढ़ना, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनके बीच की स्पेसिंग कैसी है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसे अरेंजमेंट को पढ़ना। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट लोगों के सामने, यार इसको तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको समझना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब इवॉल्व एक बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फंडा निकाला रेसिप्रोकल लैटिस का। तो रेसिप्रोकल लैटिस हमारे चीज़ों को आसान करने के लिए आया, मुश्किल करने के लिए नहीं आया। तुम दोस्त ये सोच रहे होगे कि यार सिलेबस में बढ़ा दिया एक चीज़, एक टॉपिक और सिलेबस में बढ़ा दिया, अच्छा खासा पढ़ रहे थे यार, अब ये और पढ़ना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, ये जो टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस, ये चीज़ों को आसान करने के लिए आया है, ना कि मुश्किल करने के लिए आया है। हाँ वो अलग बात है, थोड़ी सी अपनी अप्रोच अलग करनी पड़ेगी हमको। तो रेसिप्रोकल लैटिस बेसिकली क्या है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन है, इस समाधान, इस मतलब जो प्रॉब्लम है इसका क्या है समाधान है। प्रॉब्लम समझ में आई, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यार एक रियल क्रिस्टल में बहुत सारे क्या होते हैं सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और उनको पढ़ना, उनके ऊपर डील करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हम क्या काम करेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आए, विच इज रेसिप्रोकल लैटिस। अब ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है, ये कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसको समझना है, ठीक है, इसको समझना है। अब देखो क्या कहता है, तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या कहता है, बहुत कुछ कहता है वैसे तो, देखो क्या कहता है ये कहता है, यहाँ समझना, रेसिप्रोकल लैटिस की डेफिनेशन ये कहती है कि भाई हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि यार पैरेलल प्लेन्स को, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुनते रहना ध्यान से, लेकिन सेट ऑफ पॉइंट्स को पढ़ना तो बहुत आसान है। भाई एक स्पेस है, मान लो ये एक स्पेस है, इसमें बहुत सारे प्लेन्स हैं, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारे प्लेन्स हैं, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं, उनको पढ़ना आसान है, या फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ऐसे करके स्पेस में रखे हुए हैं, उनको पढ़ना आसान है। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, एक छोटा सा प्लेन मान लो, है ना, एक छोटा सा स्पेस मान लो, मान लो ये मेरी जगह दिख रही है, हम दोनों के बीच में ये जो जगह दिख रही है, इस जगह में मान लो बहुत सारे क्या है प्लेन्स हैं, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, बहुत सारे क्या है इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, उनको पढ़ना आसान है, या फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनको पढ़ना आसान है, उनके अंदर डील करना आसान है। ऑब्वियसली बात है, पॉइंट्स को डील करना आसान है। ये वाली बात समझ में आती है कि नहीं आती भाई, तभी तो लैटिस आया, तभी तो हम ब्रेवेस्ट लैटिस पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रेवेस्ट लैटिस क्या है कि यार एक क्रिस्टल को पॉइंट्स में दिखा देते हैं, उनको स्टडी करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये वाली बात समझ में आई। तो यार अब प्लेन से पॉइंट्स का क्या करें, तो अब ध्यान सुनना रेसिप्रोकल लैटिस की डेफिनेशन आई, बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा। देखो इन्होंने ये कहा रेसिप्रोकल लैटिस की डेफिनेशन, ये कहा कि यार मान लो एक यूनिट सेल है, मैं एक यूनिट सेल बना देता हूँ, ठीक है, या फिर अच्छा लैटिस प्लेन्स ले लेते हैं, चलो मान लो ये लैटिस पॉइंट्स हैं, ये क्या है लैटिस पॉइंट्स हैं बहुत सारे, और यहाँ पर पैरेलल प्लेन्स होंगे, सेट ऑफ क्या होंगे पैरेलल प्लेन्स। मान लो ये एक सेट ले लिया मैंने, ये पैरेलल प्लेन्स का मैंने क्या ले लिया सेट ले लिया। तो उन्होंने ये कहा, मतलब रेसिप्रोकल लैटिस में जो इवॉल्व बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था, ठीक है, इवॉल्व। तो इन्होंने ये कहा कि यार एक काम करते हैं हम, क्या काम करते हैं, जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। सुनते रहना ध्यान से, इन्होंने पहली बात क्या कही कि अ पर्टिकुलर
सेट ऑफ पैरेलल प्लेन, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉर्मल, नॉर्मल कह लीजिए या फिर वेक्टर कह लीजिए, नॉर्मल। मतलब एक काम करो, एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर हम क्या ड्रॉ करेंगे एक प्लेन के, ऐसे करके एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया जो इन प्लेन्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो इन प्लेन्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से समझते रहना, एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया या फिर आप नॉर्मल कह सकते हैं, जो इन सेट ऑफ प्लेन्स के या फिर जो प्लेन्स हैं पैरेलल प्लेन्स हैं इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये वाली बात भी समझ में आती है यार, एक के परपेंडिकुलर होगा तो सबके परपेंडिकुलर होगा, ये वाली बात भी क्लियर है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, सुनते रहना ध्यान से, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड नॉर्मल कह लीजिए या फिर वेक्टर कह लीजिए, जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। भाई इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है कि दो प्लेन्स के बीच की दूरी, तो ये हो गया आपका डी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार हम क्या काम कर रहे हैं, हम याद रखना रेसिप्रोकल लैटिस एक इमेजिनरी, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियलिटी नहीं है। डायरेक्ट लैटिस एक रियलिटी है, एक्चुअल में वो है, लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में ऐसा कोई लैटिस नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहना, क्या अप्रोच लगाई चीज़ों को आसान करने के लिए। उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, तो एक वेक्टर डाल देते हैं इनके परपेंडिकुलर, एक क्या कर देते हैं, एक वेक्टर परपेंडिकुलर डाल देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो रेसिप्रोकल होगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग के, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के। मतलब कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है, लेट्स से एच एक वेक्टर है, ठीक है, ये एच वेक्टर है, क्या है, एच वेक्टर है, और इस h वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा 1/d के, डी एच के एल, एच के एल बेसिकली क्या है, मिलर इंडिसेस हो गए उस प्लेन के। अच्छा, दूसरा जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन भी तो होगी भाई, एक वेक्टर है तो एक मैग्नीट्यूड हो गया, एक डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू प्लेन्स, उन प्लेन्स के नॉर्मल, उन प्लेन्स के नॉर्मल, क्लियर। यहाँ तक समझ में आता है, यहाँ तक समझ में आता है। पहली बात ध्यान सुनना, हमने क्या कहा कि भाई बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स हैं और हमने एक वेक्टर को डाला है जिसका मैग्नीट्यूड 1/d के इक्वल होगा इंटरप्लेनर स्पेसिंग के, और उसकी डायरेक्शन होगी उन प्लेन्स के नॉर्मल। तब जो टर्मिनल पॉइंट होगा उस वैक्टर का, ये टर्मिनल पॉइंट है, ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, उस टर्मिनल पॉइंट पे, मतलब ये जो टर्मिनल वैक्टर जो होता है वहाँ पर हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसिडर करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा इन सारे प्लेन्स को। ओए होए 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 होए, ध्यान से समझना मेरी बात को। उन्होंने ये कहा कि भाई हम प्लेन्स को नहीं पढ़ सकते, ठीक है, लेकिन इन सारे प्लेन्स को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, की यार एक वेक्टर ड्रॉ कर दो जिसका मैग्नीट्यूड 1/d एच के एल हो और उसकी डायरेक्शन उन प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो, तब जो टर्मिनल वेक्टर के टर्मिनल में जो एक पॉइंट मिलेगा हमको, ये रहा वेक्टर के टर्मिनल में जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा इन सारे प्लेन्स को, क्लियर। यहाँ तक समझते रहो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं, धीरे धीरे हौले हौले सब समझ में आएगा। ये जो पॉइंट होगा अब पर्टिकुलर, ये जो पॉइंट है रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ये वाली बात, क्लियर। अच्छा जी, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, ऐसे कितने सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे, बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे, खुद सोचो ना। देखो अब ऐसे करके सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हो सकते हैं, ऐसे करके सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे, इनमें हमने एक वेक्टर डाल दिया, इनमें हमने ऐसे करके एक वेक्टर डाल दिया जिसका मैग्नीट्यूड इनके डी के रेसिप्रोकल होगा, क्लियर, और इनकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, इसके टर्मिनल पे एक पॉइंट आएगा जो इन सेट ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे कर करके अगर मैं इस मेथड को सारे प्लेन्स में लगाता जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, सोच के बताओ, क्या मुझको लैटिस का, सॉरी पॉइंट्स का एक लैटिस नहीं मिल जाएगा, मुझे एक पॉइंट्स का क्या एक लैटिस नहीं मिल जाएगा। अरे यार खुद सोचो ना, देखो ध्यान समझो,
देखो ऐसे करके प्लेन से हमने एक वेक्टर परपेंडिकुलर डाला, एक पॉइंट मिल गया। ऐसे करके प्लेन से हमने एक वेक्टर परपेंडिकुलर डाला, एक पॉइंट मिल गया। ऐसे करके प्लेन से हमने एक वेक्टर डाला, परपेंडिकुलर मिल गया। ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, हमको क्या मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें। बहुत सारे क्या मिल जाएंगे मेरे भाई, पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब एक लैटिस मिल जाएगा। लैटिस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन विच ऑल एटम्स हैविंग सेम सराउंडिंग। तो भाई यहाँ पर भी यही होगा, हमें जब इवॉल्व ने जब ये सब करा तो भाई उनको भाई साहब ये मिला कि बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, लैटिस, मतलब एक लैटिस मिल रहा है जहाँ पर हर एक जो पॉइंट है उसकी सेम सराउंडिंग है, उसकी सेम सराउंडिंग है। अच्छा आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि वेक्टर डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा रेसिप्रोकल लैटिस आपने देखा भी है, आप कहोगे यार अब तो तू बस ज़्यादा बोल रहा है। देखो सुनो, आपने रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड पढ़ा, आपने लाउज मेथड पढ़ा, आपने पाउडर मेथड पढ़ा, तीनों में हो क्या रहा था? सोच के बताना, तीनों में हो क्या रहा, दिमाग लगाओ आज मेरे साथ, तीनों में हो क्या रहा था? तीनों में ये हो रहा था कि हम एक्सरे डाल रहे थे उस क्रिस्टल के ऊपर, और क्रिस्टल के बाद फिर वो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहा था, और डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या आ रहे थे, हमको डॉट्स मिल रहे थे, हमको डॉट्स मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे मेरे भाई, डॉट मिल रहे थे। और मैंने आपको कहा था तीनों वीडियोस में भाई, तीनों टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ, तो उन तीनों वीडियो में मैंने कहा था कि वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न के वो जो डॉट आते हैं जिनको लाउज स्पॉट कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन को, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन को। अरे मेरे भाई, एक स्पॉट रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, एक पॉइंट ही तो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओए होए 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 होए, मतलब ये कि एक क्रिस्टल से जब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न निकल कर आया है, एक क्रिस्टल से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न निकल कर आया है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न ही उस क्रिस्टल का, उस क्रिस्टल लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस। क्या कह दिया, सुनो ध्यान से, मैंने ये कहा कि एक क्रिस्टल का आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल गया, एक क्रिस्टल का आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला है मेरे भाई, वो उस क्रिस्टल का ही रेसिप्रोकल लैटिस है, वो उस क्रिस्टल का ही रेसिप्रोकल लैटिस है, जहां पर हर एक लाउज स्पॉट, वो जो काला काला स्पॉट होगा ना, वो हर एक स्पॉट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को ही रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। क्लियर? मतलब कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान समझना, मतलब कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ क्रिस्टल शोज रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस। ये वाली बात क्लियर है। तो अब तक हमने भाई एक बार अगर मैं इसको फाइनल करूं, तो हमने क्या करा है, हमने कुछ नहीं करा, हमने बस ये करा है कि एक रियल क्रिस्टल में, एक डायरेक्ट क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, उन सारे सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को हमने एक पॉइंट से क्या करा है, रिप्लेस करा है। पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, पॉइंट मिलाने मतलब कंस्ट्रक्शन में आपको बता देता हूँ, किसी भी पॉइंट से, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लो ओरिजिन, आप कहीं पर भी ले सकते हो, कोई भी एक पॉइंट ले लो ओरिजिन, मान लो मैंने यहाँ पर ओरिजिन ले लिया और उससे एक वेक्टर डाल दिया, मतलब उन प्लेन्स के जो भी प्लेन है उनके परपेंडिकुलर क्या डाल दिया, एक वेक्टर डाल दिया, जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1/dHkl होगा, और जिसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन होगी, उस प्लेन के नॉर्मल होगी। क्लियर? और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, उस वेक्टर के टर्मिनल में आपको एक पॉइंट ड्रॉ करना है, और वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा किसको, वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा किसको, आप सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को। याद रखना, इन रेसिप्रोकल लैटिस हर एक लैटिस जो होगा, हर एक पॉइंट होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को। यहां तक क्लियर है? रेसिप्रोकल लैटिस कंस्ट्रक्ट करना आ गया, रेसिप्रोकल लैटिस का मीनिंग आ गया। अगेन इसको लैटिस क्यों कह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है यहां पर एटम्स का अरेंजमेंट बनेगा। अच्छा लैटिस समझ में आ रहा है कि लैटिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एटम पॉइंट्स का, मतलब कि पॉइंट्स का क्या बनेगा, लैटिस बनेगा। रेसिप्रोकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल लिया है, जो वेक्टर है उसका हमने रेसिप्रोकल लिया है मैग्नीट्यूड में, इसलिए इसको हम कह रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस। फंडा क्लियर हो गया? अरे भैया क्लियर है। सो रेसिप्रोकल लैटिस का डेफिनेशन क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी।
मैं तीन चीज़ें आपको बताई हैं अब तक, मैंने उसकी डेफिनेशन बता दी। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बेसिकली यही है कि ये डेफिनेशन है पूरी, क्या मतलब डेफिनेशन कंस्ट्रक्शन इसका एक ही है, क्लियर? यहाँ तक से ये डेफिनेशन हो गया, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, और उसका बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस हो गई, यूजेस हो गई, भाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या है रेसिप्रोकल लैटिस की। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सो भाई वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो हम हटा देते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, ध्यान समझो, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ट्रीट करना है, मतलब कि हमें अब एक दो डेरिवेशन, एक डेरिवेशन में आपको कराऊंगा प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वैक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस, मैं बताता हूँ करके बताता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है? चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हूँ, ठीक है? पेपर में देखो, पेपर में ऐसे लिख लेना, जो भी मैं मतलब देख रहे होंगे मुझको, बीएससी वाले होंगे या एमएससी वाले होंगे, भाई पेपर में लिख लोगे आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्या है रेसिप्रोकल लैटिस, आपको समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो भाई आप बना बना के लिख लोगे, पेपर में लिख लोगे ऐसे ही बिल्कुल मस्त सा बना बना के लिख लेना, ठीक है? इसलिए नोट भी कर लेना, पेपर में तुम लिख लोगे, इसकी टेंशन मत लो, क्लियर? समझ लो, अगर समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? अब चलो, ज़्यादा भाषण नहीं देते हम। तो भाई तक अब तक की कहानी क्या थी? अब तक की कहानी ये थी कि भैया अगर हमें रेसिप्रोकल लैटिस को क्या करना है, क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो हम क्या काम करेंगे, वेक्टर्स डालते चले जाएंगे एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स में, और टर्मिनल, उस वेक्टर के टर्मिनल पे एक पॉइंट बना देंगे जो बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस होगा। हर एक रेसिप्रोकल लैटिस जो है, लैटिस पॉइंट, रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर जो पॉइंट आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ पैरेलल, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई, देखो ध्यान से। अच्छा, याद करो, आपने प्रिमिटिव सेल पढ़ा होगा, आपने ट्रांसलेशनल वेक्टर्स भी पढ़ रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मान लो ये लैटिस पॉइंट्स हैं, ये क्या है, लैटिस पॉइंट्स हैं, सिंपली लैटिस पॉइंट्स हैं, नॉट रेसिप्रोकल, सिंपली लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है? अच्छा, ट्रांसलेशन वैक्टर क्या होता था, ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर क्या होते थे? ए वैक्टर क्या होता था कि भाई आप एक्स एक्सिस पर कितना चले वो हो जाता था ए वैक्टर, आप वाई एक्सिस पर कितना चले वो हो जाता था बी वैक्टर, आप Z एक्सिस पे कितना चले इधर आएगा, ठीक है, C वेक्टर। तो ये क्या होते थे, इनको हम कहते थे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स। क्या कहते थे मेरे भाई, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, कि आप X पे कितना चले तो X पे हम A वेक्टर, A वेक्टर, A वेक्टर, B वेक्टर, B वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, C वेक्टर, C वेक्टर, ठीक है? उसके बाद इनका एक रिजल्टेंट आता था जिनको हम कहते थे ट्रांसलेशन वेक्टर, विच इज T वेक्टर, और T वेक्टर आता था हमारा ए वेक्टर प्लस बी, एच ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर, कुछ इस तरीके से, ठीक है? ट्रांसलेशन वेक्टर क्या दिखाता था, ट्रांसलेशन वेक्टर ये दिखाता था कि भाई हम इस पॉइंट पर हैं तो हम टी वेक्टर ऊपर गए और हम इस पॉइंट पर आ गए और जो सराउंडिंग्स है उसमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब कि ये ट्रांसलेशन सिमेट्री होती थी कि क्रिस्टल के अंदर घूम रहे हैं, इस पॉइंट से उस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट से उस पॉइंट पे गए, सराउंडिंग्स को देखा, सराउंडिंग सेम थी तो मतलब वो लैटिस है, वो सिमेट्रिक है, ट्रांसलेशन सिमेट्रिक वेक्टर, याद है कि नहीं है, क्लियर? तो ये तो हमने देखा था डायरेक्ट लैटिस में जब हमारे पास लैटिस पॉइंट थे, अब रेसिप्रोकल लैटिस में हम कैसे देखेंगे भाई? रेसिप्रोकल लैटिस का भी तो एक प्रिमिटिव होगा, ये ट्रांसलेशन वेक्टर है किसका, डायरेक्ट लैटिस का। रेसिप्रोकल लैटिस में भी तो एक ट्रांसलेशन वेक्टर होगा जिसको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहते हैं। अब देखो जरा उसको और समझाते हैं, ये समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर हमने बताया कि यार एक रियल लैटिस में एक ट्रांसलेशन वेक्टर होता है जो क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में मदद करता है, विच इज टी इक्वल टू दिस, ठीक है? सो रेसिप्रोकल लैटिस में भी एक वेक्टर होगा, तो वो वेक्टर क्या होगा, चलो उसे देखते हैं, देखे जा रहे हैं से। तो मान लीजिए भाई यहाँ पर हमने क्या काम कर दिया, एक यूनिट सेल ले ली, एक यूनिट सेल ले ली, एक क्यूबिक यूनिट सेल ले ली हमने ऐसे करके,
ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर। क्लियर, ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस हो गई। ठीक, अच्छा मान लो ये दो प्लेन दिख रहे हैं, ये दो पैरेलल प्लेन दिख रहे हैं, ये पॉइंट ले लिया मैंने ओ, इनको नाम दे देते हैं, ये हो गया डी ई एफ, उसके बाद ये हो गया पी क्यू आर एस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा सुनो, अब ध्यान समझना मेरी बात को। अगर मैं आपसे पूछूं, सुनना, इस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? ध्यान समझना, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, कितना होगा मेरे भाई वॉल्यूम? अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो वॉल्यूम प्रिमिटिव सेल का, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आता था? एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना आता था बताओ मेरे भाई? वॉल्यूम आता था ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। भाई ए क्रॉस बी ये वाला एरिया और इसकी हाइट सी वेक्टर, वॉल्यूम ए क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी। अच्छा वॉल्यूम को मैं ये भी तो लिख सकता हूं एरिया ऑफ ओ डी ई एफ, ओ डी ई एफ इंटू हाइट, इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी ओ एस, ओ एस। यहां तक क्लियर है? मैं अगर इसका वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ऐसे तो निकालते हैं भाई, सिलेंडर है उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या करेंगे, सर्कुलर पार्क का एरिया इनटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ही यहाँ पर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, अब सुनो ध्यान से ना, वी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, ये जो प्लेन है इसका एरिया कितना होगा भाई, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वैक्टर, भाई ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल इंटू ए, आपका हो गया हाइट, हाइट है आपकी ओ एस, हाइट आपकी क्या है ओ एस, ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ ये ओ एस क्या है, दिमाग लगाना ओ एस क्या है, क्या है ओ एस, ये ओ एस, ओ एस क्या है, ये ओ एस, ओ एस, ओ एस बेसिकली है इंटरप्लेनर स्पेसिंग एच के एल। भाई मान लो ये प्लेन्स जो है वो एच के एल है, तो दो प्लेन्स की दूरी को क्या डी नहीं कहते भाई, ये दो प्लेन्स है इनकी दूरी को क्या कहेंगे, डी एच के एल। समझ में आया? देखो दो प्लेन ऐसे करके है ना, तो इनकी दूरी कितनी होगी, डी एच के एल। क्लियर, सो हाइट के बेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एच के एल। अब यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, वन अपॉन डी एच के एल इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन में वॉल्यूम। भाई ये इधर आ गया, ये नीचे चला गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा तो फिर तो भाई मैं ये भी लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी डिवाइड में, वी कितना है, वी है हो गया ये सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर। क्या मतलब कि ध्यान सुनना, ओ एस बेसिकली क्या है, ये डी एच के एल, ओ एस बेसिकली क्या है, एक सी वेक्टर है ये ऐसे करके ऊपर की तरफ, मतलब कि ये एक वेक्टर हो रहा है यूं करके, ओ एस एक वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन अपॉन डी एच के एल हो, सुनना ध्यान से, वन अपॉन डी एच के एल, ऐसा कौन सा वेक्टर हो सकता है विच इज रेसिप्रोकल वेक्टर, मतलब कि कैपिटल सी वेक्टर इक्वल होगा स्मॉल ए क्रॉस बी अपॉन में सी डॉट ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूले याद रखेंगे। ये क्या है भाई, ये है आपका प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, कहाँ पर, इन रेसिप्रोकल लैटिस। अब समझो ध्यान से, अब समझो ध्यान समझो, एक डायरेक्ट लैटिस है तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक शीट मान लो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जब आप एक्स एक्सिस पे जाते हो पॉइंट टू पॉइंट, तो क्या वेक्टर चलते हो, ए वेक्टर चलते हो, ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर। ये डायरेक्ट लैटिस की कहानी थी, रेसिप्रोकल लैटिस के किन के बीच में चलोगे, दो प्लेन्स के बीच में चलोगे ना मेरे भाई, ये दो प्लेन है और ये दो प्लेन किसके पैरेलल हो रहे हैं, सी के हो रहे हैं, मतलब सी के, मतलब कि इन दो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा। भाई मैंने अभी जो आपको बताया सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल वेक्टर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन अपॉन डी होगा। तो भाई वही तो मैंने यहाँ पर करा, सुनो ये दो वैक्टर दिख रहे हैं, सॉरी दो प्लेन दिख रहे हैं, ये दो प्लेन
इन दोनों प्लेन के ये जो ये जो दो प्लेन है ये किसके परपेंडिकुलर होंगे, सी वेक्टर के, मतलब कि ये इस सी एक्सिस के, क्या मतलब कि जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन रेसिप्रोकल लैटिस विच इज कैपिटल सी, वो किसके इक्वल होगा, मतलब कि डायरेक्ट लैटिस में तो आप पॉइंट टू पॉइंट चलते थे, रेसिप्रोकल लैटिस में आप प्लेन टू प्लेन चलोगे, मान लो ये दो प्लेन है तो यहाँ से यहाँ कैपिटल सी वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर, प्लेन टू प्लेन, डायरेक्ट लैटिस में पॉइंट टू पॉइंट चलते हो तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, रेसिप्रोकल में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, बिटवीन प्लेन्स, तो यहाँ पर दो प्लेन्स, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूँ इन दो प्लेन्स की बात हम करें, देखो एक तो छत ले लो, एक ये ले लो, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इनके परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, सी वैक्टर, तो यहाँ पर जो आपका वैक्टर आएगा उसको आप क्या कहोगे, कैपिटल सी वैक्टर, जिसको मैंने यहाँ निकाला। उसी तरीके से इन दो प्लेन्स को ले लो, इन दो प्लेन्स में जो वैक्टर डालोगे जो इनके परपेंडिकुलर आएगा वो एक रेसिप्रोकल वैक्टर होगा, रेसिप्रोकल ट्रांस मतलब वही प्रिमिटिव ट्रांसलेशन रेसिप्रोकल वैक्टर होगा, तो वो किसके इक्वल होगा, ए के, और ये किसके इक्वल होगा, बी के। मतलब ये सिमिलरली करके लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, सिमिलरली जो ए वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस सी, कुछ ऐसा नहीं। ये बेसिकली क्या है भाई, ये हैं आपके, ये हैं आपके प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस, यहाँ तक क्लियर है। मतलब कि भाई डायरेक्ट लैटिस में आप पॉइंट टू पॉइंट चलते हो तब आपको वहाँ पर मिलते थे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तब आप प्लेन, इस रेसिप्रोकल लैटिस में आप क्या चलोगे, प्लेन टू प्लेन चलोगे, इस प्लेन से उस प्लेन पे, तो इन दोनों प्लेन के लिए हमारे पास एक वेक्टर आएगा विच इज कैपिटल सी, उसका फॉर्मूला आया ये, इन प्लेन के लिए ये वाले और ये वाले, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर, तो इसका आया ये कैपिटल बी, उसके बाद आमने सामने वाले ये दोनों हैं इनके लिए आ रहा है आपका ए, इनके लिए कौन सा आ रहा है ए, विच इज ए वेक्टर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है, यहाँ समझ, जैसे लेटेस्ट पॉइंट थे ना, लेटेस्ट पॉइंट थे तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ए वेक्टर, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो बी वेक्टर, तो अब यहाँ पर प्लेन टू प्लेन चल रहे हैं तो ये वाले वेक्टर कहेंगे, ना कि ये, ठीक है, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे, ये वाले कहेंगे, क्लियर है, क्लियर है, नोट करें भाई साहब उसको। अच्छा, अब इन इससे समझ में क्या आ रहा है, ध्यान समझना, क्लियर, डेरिवेशन बिल्कुल ऐसे लिख लेना अपने एग्जाम्स में, इसे समझ में क्या आ रहा है, इसे एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं इन फॉर्मुलों को ध्यान से देखूं, इन फॉर्मुलों को ध्यान से देखूं, कौन कौन से फॉर्मूले आए, तीन फॉर्मूले आए, कौन कौन सा आए, तीन फॉर्मूले आए, कौन कौन से देखूं, ए वेक्टर इक्वल टू, अच्छा कभी कभी इन फॉर्मुलों को ऐसे भी लिख देते हैं, टू पाई बी क्रॉस सी अपॉन में ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, टू बाई बर्नौली जोन्स में आएगा, बर्नौली मतलब जो ब्रिलियन नॉट बर्नौली ब्रिलियन जोन्स के अंदर आएगा, तो वहाँ पर इसका फंडा बताऊंगा, अभी नहीं, उसको ऐसे याद करो अभी, ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले निकल कर आए, ये तीन फॉर्मूले निकल कर आए, अब सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुनो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, ये डायरेक्ट लैटिस था, यहाँ पर आप ए चलते थे, यहाँ पर आप बी चलते थे, उसके बाद एक ट्रांसलेशन वेक्टर आता था टी, यहाँ पर भी एक ट्रांसलेशन वेक्टर आएगा, लेकिन उसको ट्रांसलेशन वेक्टर नहीं कहेंगे, उसको हम रेसिप्रोकल वेक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल वेक्टर, तो रेसिप्रोकल वेक्टर को किससे डिनोट कर रहे हैं मेरे भाई, रेसिप्रोकल वेक्टर को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, या तो हम एच से करते हैं या तो आर से, तो आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, एच ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर,
क्लियर। मैं एक बार से फिर बता देता हूँ, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं इन रेसिप्रोकल लैटिस। ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा है किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, ए एक्सिस के लिए। बी किसके लिए दिखा रहा है, वाई एक्सिस के लिए, मतलब कि स्मॉल बी एक्सिस के लिए। और सी किसके लिए दिखा रहा है, जेड एक्सिस के लिए, मतलब कि स्मॉल सी एक्सिस के लिए। और ये क्या है, ये टोटल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। ये आपका क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कह लो या सिंपली वेक्टर कह लो। ठीक है, यहाँ पर एच के एल बेसिकली क्या है, मिलर इंडिसेस हैं, इंटरसेप्ट्स हैं किसके, प्लेन्स की। ठीक है, एच के एल सबके लिए सेम होगा, इसके लिए सेम होगा, इनके लिए सेम होगा, इनके लिए सेम होगा, पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स के लिए एच के एल की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा, एक बात और ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ पर छोटी छोटी कंडीशन है, छोटी छोटी कंडीशन देखो क्या है कि अगर आप इन फॉर्मुलों को ध्यान से देखें तो एक बात समझ में आ रही है कि जो ए वेक्टर है वो नॉर्मल है बी के और सी के, जो बी वेक्टर है वो नॉर्मल है सी के और ए के, और जो सी वेक्टर है वो भी नॉर्मल है किसके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। तो इससे निकल कर क्या है, इससे निकल कर क्या है, इससे एक बात निकल कर आ रही है कि अगर मैं आपसे पूछूं ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें ए से तो कितना होगा भाई, कैपिटल ए वेक्टर और ए वेक्टर, सॉरी दोनों ही है, कैपिटल ए वेक्टर और स्मॉल ए वेक्टर दोनों एक के ऊपर एक है, मतलब कि इनकी वैल्यू क्या आएगी, वन, क्योंकि थीटा यहाँ पर जीरो है। अगर मैं आपसे पूछूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये याद रखना स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डायरेक्ट लैटिस के लिए है, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रेसिप्रोकल लैटिस के लिए है, तो ये कितना आएगा, जीरो, क्योंकि नॉर्मल है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसके बाद ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, ऐसे ही बाकी निकल जाएगा, जीरो, वन, जीरो। उसी तरीके से सी डॉट ए वेक्टर, जीरो, जीरो, वन। ठीक है, तो ये वाली याद रखिएगा कंडीशंस को। ठीक है, समझ में आया? सो आई होप आपको रेसिप्रोकल लैटिस समझ में आया हो। हमने बात करी रेसिप्रोकल लैटिस की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी इम्पॉर्टेंस, और रेसिप्रोकल वेक्टर्स का एक डेरिवेशन। क्लियर, सो आई होप आपको मतलब ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो रेसिप्रोकल लैटिस का फंडा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।